स्ट्रक्चरल हायरार्की ऑफ दी आरएनए, आरएनए का जिस तरह हमने डिफाइन किया था डीएनए का स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आरएनए की क्या स्ट्रक्चरल हायरार्की है। आरएनए हैज नो सिंपल स्ट्रक्चरल हायरार्की दैट सर्व्स एज ए रेफरेंस पॉइंट एज डज द डबल हेलिक्स ऑफ द डीएनए। डीएनए में हमने डिफाइन किया था कि एक दो लेटर्स हैं, एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल दोनों चल रही हैं, वो डबल हेलिक्स बना लेते हैं। हर उस डीएनए में यही स्ट्रक्चर होगा, यही उसका रेफरेंस पॉइंट है और यही पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। लेकिन आरएनए डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसमें डिफरेंट गुआनिन कंटेंट है, डिफरेंट प्योरीन पैरामिडिन कंटेंट है, इसलिए उस तरह का एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आरएनए में जो है वो नहीं प्रेजेंट होता। द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मैनी आरएनए लाइक दोज ऑफ प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक। जिस तरह के प्रोटीन्स बहुत सारी हैं, उनके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स तो होते हैं, लेकिन हर प्रोटीन का डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह आरएनए के प्रोटीन की तरह यूनिक स्ट्रक्चर्स होंगे, लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, उसका एक स्पेसिफिक जो है ना वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, जिस तरह हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था कि वो एक स्टेट चेन को अगर लगाते जाएं हम तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें राइबोस और फॉस्फेट बॉन्ड जो हैं वो आपस में फॉस्फेट और राइबोस बैकबोन बनाते हैं, और दरमियान में उसके स्टैकिंग इंट्रैक्शन होती हैं, दरमियान में बेस पेयर्स प्रोजेक्ट की होती हैं उसके परपेंडिकुलर। इसी तरह आरएनए के प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन द आरएनए स्ट्रक्चर। इसी तरह आरएनए के स्ट्रक्चर में भी नंबर उसकी जो सीक्वेंस में लगे हुए हैं उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। द सीक्वेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द जीन फ्रॉम विच इट वॉज ट्रांसक्राइब्ड। हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में डिफाइन किया था एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, एक नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से के जीन से जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर जो ट्रांसक्राइब होकर आरएनए बन रहा है, तो ये सीक्वेंस एग्जैक्टली वही होता है जो डीएनए से ट्रांसक्राइब होता है, लेकिन इसमें थायमिन की जगह यूरासिल होता है, जिस तरह हमने डिफाइन किया। दिस इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए। ये अगर हम कहते हैं डीएनए की स्ट्रेन है, विच इज अ टेम्पलेट स्ट्रेन, विच इज अ नॉन कोडिंग स्ट्रेन, और इसी के साथ मिल ट्रांसक्राइब होते जाते हैं। इसके एडेनिन के साथ यूरासिल लग गया, थायमिन के साथ एडेनिन लग गया, साइटोसिन के साथ गुआनिन, और ये सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये इसी तरह आरएनए इससे टेम्पलेट स्ट्रेन से जो है सीक्वेंस डीएनए से कॉपीड होता जाता है, और ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक यूटीपी आके यहाँ लग के ये एक बन गया। इसी तरह ये टेम्पलेट डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रेन के साथ जो है ये आरएनए कॉपी होता जाता है और ट्रांसक्राइब होता जाता है। दी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। जिस तरह फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हमने कहा था डीएनए में बनते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी आरएनए भी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। द 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड इज बाउंड टू द 5' फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द अदर न्यूक्लियोटाइड एंड फॉर्म अ लीनियर स्ट्रैंड। अब लीनियर स्ट्रैंड जब 3' to 5' जो है बन रहा है, एक 3' पे हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है और 5' पे जो है ना फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तो 3' to 5' जो लीनियर स्ट्रक्चर है इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस इज द अगेन द डायग्राम विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डीएनए, एक्सेप्ट के यहाँ पे थायमिन की जगह यूरासिल लगा हुआ है, साइटोसिन और गुआनिन उसी तरह है, और ये हमने कहा था कि 5' एंड पे एक फॉस्फेट खाली पड़ा होता है, जबकि 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच है। तो दिस इज द 5' to 3' स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डीएनए, एक्सेप्ट द बेस पेयर विच इज यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए एज कंपेयर टू द डीएनए। द राइबोसाइल मॉइटी आर अटैच टू द न्यूक्लियोबेसिस बाय एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। के राइबोसाइल ग्रुप्स जो हैं, राइबोस शुगर जो हैं वो अटैच होंगे न्यूक्लियस बेसिस के साथ एन एसिटाइल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी सिमिलर है जैसा कि आर डीएनए में होता है। सिमिलर टू डीएनए आरएनए पॉलीमर आल्सो हैज अ पोलैरिटी। जिस तरह के वो पोलर्स पोलर है डीएनए, उस पर भी हमने पढ़ा था कि उसकी जो है ना
फॉस्फेट और शुगर का एरिया जो है वो वाटर सॉलेबल है, उसकी पोलर एरिया है, जबकि दरमियान में हाइड्रोफोबिक एरिया है. तो इसी तरह इसकी भी बेस टेकिंग, इसी तरह दरमियान में जो एरिया है इंटीरियर ऑफ द मॉलिक्यूल वो हाइड्रोफोबिक होता है, जबकि बाहर वाली बैकबोन जो है वो इट इज़ हैविंग ए पोलैरिटी. और ये सिमिलर पोलैरिटी, ऑलमोस्ट सिमिलर पोलैरिटी होती है डीएनए की, आरएनए की, एज जिस तरह की डीएनए की है. तो दिस इज द मेन फीचर्स ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए.